अब ये जो टेक्निकल इंग्लिश होती है ये स्पेशलाइज लैंग्वेज स्टाइल होती है जो कि एफिशिएंट रूप से कम्युनिकेशन करने के लिए एफिशिएंट कम्युनिकेशन और एक्यूरेट कम्युनिकेशन को सिखाता है किसी भी लोगों से किसी भी कंट्रीज इंडस्ट्रीज के बीच में टिकन टेक्निकल इंग्लिश को जनरली इसको जॉर्गॉन भी कह दिया जाता है टेक्निकल इंग्लिश जो है एक पार्टिकुलर प्रोफेशंस के द्वारा वो कैबलर स्पेशलाइज्ड वो कैबलरी होती है या पार्टिकुलर प्रोफेशन इंडस्ट्री या ग्रुप के द्वारा एक टेक्निकल टर्म्स का यूज किया जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में जो भी वर्ड्स या फ्रेज होते हैं ये सब प्रिसाइज होने चाहिए प्रिसाइज होने चाहिए और इसके साथ में जो हैं सिंपल होने चाहिए यहाँ से टेक्निकल इंग्लिश के कई सारे एडवांटेज होते हैं प्रोसीजन है ना प्रिसाइजेशन यानी कि प्रिसाइज एफिशिएंटली प्रोफेशनल है ना प्रोफेशनलिज्म ग्लोबलाइजेशन अब ये जो है प्रिस का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन जो है एक क्लियर होना चाहिए अनएम्बिगस होना चाहिए एम्बिगटी के साथ नहीं होना चाहिए और एफिशिएंसी का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को जो है एक साथ, एक जो स्प्रेड फॉर्म में कन्वे होना चाहिए कन्वे करना चाहिए प्रोफेशनलिज प्रोफेशनलिज्म का मतलब है कि एक स्पेसिफिक फील्ड में जो है एक्सपर्टाइज होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन ये जो है टेक्निकल कम्युनिकेशन वर्ल्ड वाइड का एक स्टैंडर्ड्स फॉर्म होता है टेक्निकल ट्रांसलेशन के डिफरेंट बेनिफिट्स हैं जैसे एक्सेसिबिलिटी कंप्लायंस मार्केट पेनिट्रेशन कस्टमर सेटिस्फैक्शन और क्लियर स्ट्रक्चर टेक्निकल इंग्लिश के कई सारे कैरेक्टर्स हैं है ना अब ये करेक्टर्स आप देख सकते हो कि अगर प्रोसीजरल सेंटेंस के लिए 20 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो है डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस के लिए 25 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पैराग्राफ में 6 सेंटेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप के स्लैंग या जार्गा का अवॉइड करना चाहिए एक्टिव वॉइस प्रेफरेबल है पैसे वॉइस को अवॉइड करना चाहिए ठीक सिक्वेंसल सेंटेंस को सेपरेट फॉर्म में लिखना चाहिए रेदर देन वन लॉन्ग एक लॉन्ग सेंटेंस लिखने के बजाय उसको सिक्वेंशियल फॉर्म में शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंस लिखना चाहिए है ना जेरेंट्स और प्रेजेंट पार्टिसिपल को अवॉइड करना चाहिए आर्टिकल ए एन एंड द इसको भी जो है यूज करना चाहिए जहाँ इसकी ज़रूरत हो सिंपल वर्ब टेंस का यूज करना चाहिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और स्पेसिफिक प्रकार के टेक्निकल टर्म्स का यूज करना चाहिए इसका ऑब्जेक्टिव या टोन इसका जो टोन है ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल होना चाहिए फ्रूटल है ना यहाँ फैक्चुअल होना चाहिए और इसके साथ में डिस्क्रिप्शन डिटेल्ड होना चाहिए यानी कि डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होना चाहिए जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे ओके okay? अब यहाँ पर देखिए फाइव प्रिंसिपल्स हैं टेक्निकल राइटिंग के क्लैरिटी या टेक्निकल इंग्लिश के क्लैरिटी एक कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी कंसाइजनेस और कंसिस्टेंसी क्लैरिटी जो होता है ये इंश्योर करना इंफॉर्मेशन को ये इंश्योर करना कि वो सम वो समझने में आसान है या नहीं इजी टू अंडरस्टैंड है या नहीं अक्योरेसी जो है इंफॉर्मेशन फैक्चुअल और करेक्ट है कि नहीं ये अक्यूरेसी बताता है कॉम्प्रीहेंसिबिलिटी का मतलब ये है कि आइडियंस जो है मैसेज को अंडरस्टैंड कर सकता है ईजली या नहीं कंसाइजनेस यानी कि जो भी मैटर होना चाहिए कोशिश करो एज यूजल कंसाइज वर्ड का यूज़ करो जिससे इजी टू अंडरस्टेंड रहे कंसिस्टेंसी जो है कंसिस्टेंट टर्म और फॉर्मेट का भी यूज़ किया जाना चाहिए